गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल से चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक, जो कि हमारी टेंस की सीरीज के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, टेंस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो टेंसों को कवर कर लिया था, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझने के लिए हमें दो टेंसों को समझना पड़ता है, एक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट, और दूसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, पिछली कक्षा में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये जाना था जिस वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आते हैं, वो आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है, बाकी के साथ विल बी का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जिस वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, मतलब जिस वाक्य के अंत में चुके चुकेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि आएंगे, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, और टेंस की सीरीज में हमने ये भी जाना था कि तीन टेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से एक टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये तो रहेगी मेन वर्ब। अब फ्यूचर टेंस को स्टार्ट किया था तब हमने ये भी जाना था, आई और वी अगर आपको दिया होता है, इसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन बात जब फ्यूचर परफेक्ट की होगी तो शैल के साथ प्रयोग किया जाएगा, किसका, हैव का, शैल हैव का। और अगर आई और वी के अलावा है, आई और वी के अलावा अगर है, तो आप उसमें प्रयोग करोगे किसका, विल हैव का, विल हैव का। ठीक है, आपको थोड़ी सी दिखने में समस्या हो रही होगी आई और वी की, इनको मैं थोड़ा सा सीधा लिख देता हूं। मैंने टेढ़ा लिख दिया कि भाई जो आई और वी होगा, आई और वी अगर होता है तो इसमें शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा बाकी जो होते हैं उनके साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से टेंस की सीरीज में हमने एक चीज और जानी थी कि वाक्य दो चीजों से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा मेन वर्ब से। तो मेन वर्ब हमने फ्यूचर परफेक्ट में क्या समझी कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जब हेल्पिंग वर्ब की बात की जाती है तो उसमें आपने ये जाना कि आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इन शॉर्ट आप ये बता सकते हो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होगा जिसमें चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आते हैं वाक्य के अंत में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपकी डेफिनेट वर्ब है, और आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। इसको हम और स्पष्ट रूप में समझते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा।
आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं हिंदी के, जिसमें पहले वाला है कि हम स्कूल जा चुके होंगे। जब हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो हमको आप समझेंगे क्या होता है वी, हम का मतलब वी। वी के साथ क्या आएगा, शैल। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें, देखो जो आई और वी था ना बेटा, आई और जो वी बताया था उसमें शैल का प्रयोग हम करते थे, लेकिन जब फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की, तो दोनों के साथ हम जोड़ देंगे किसको, हैव को। मतलब शैल के साथ भी हैव जुड़ेगा और विल के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा हम एक चीज को समझते हैं कि हम स्कूल जा चुके होंगे, मतलब वी शैल हैव, वी शैल हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, थर्ड, किसकी, जाने की। तो वी शैल हैव गॉन, वी शैल हैव गॉन टू स्कूल, वी शैल हैव गॉन टू स्कूल। अगर ये आपका इंटरोगेटिव में आ जाए, सॉरी नेगेटिव में आए, पहले सिंपल में था, अब हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं, मतलब हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे, तो मतलब वी शैल हैव, दोनों हेल्पिंग वर्ब आपने ऐसी रखनी है, वी शैल हैव नॉट, केवल नॉट नॉट जोड़ना है, नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है बेटा। अब अगर इसको इंटरोगेटिव बना दिया जाए तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव, तो क्या बन जाएगा ये, शैल वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। और लास्ट में आपका इंटरोगेशन, क्योंकि जो टेंस की सीरीज है आप उसमें समझ रहे हो कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं पर्सन वाचक वाक्य, उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा वाक्य के शुरू में आती है। तो शैल वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल, शैल आगे आने के कारण आपका इंटरोगेटिव बन गया, नॉट के लिए क्या बन गया ये, नेगेटिव, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, तुम मैच खेल चुके होगे, तो तुम के लिए क्या आ गया बेटा, यू, यू। अब आई और वी के साथ तो आप प्रयोग कर रहे हो किसका, शैल हैव का, बाकी के साथ विल हैव का, तो यू के लिए क्या आएगा, यू विल हैव, यू विल हैव प्लेड, पी एल ए वाई ई डी, यू विल हैव प्लेड ए मैच, ठीक है। अगर ये आपका नेगेटिव में आ जाए तो क्या बन जाएगा, यू विल नॉट हैव प्लेड मैच। अगर इसको हम इंटरोगेटिव बना दें, अगर इसको हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव बोध बनाए, तो हेल्पिंग वर्ब जैसे उसमें शैल को आगे रखा है ऊपर, इसमें किसको रखेंगे, विल को, विल यू हैव नॉट प्लेड मैच, तो ये विल हेल्पिंग वर्ब आने के कारण यहां पे फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि विल हेल्पिंग वर्ब को आपने वाक्य के शुरू में रखा है। तो इस तरह से हमने इस कक्षा में जाना एग्जांपल्स के द्वारा और ब्रीफ स्केच के द्वारा कि परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। अंत में मैं आपको एक बार फिर से बता दूं संक्षेप रूप में कि जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आएंगे, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, अथवा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि जो टेंस हमने आज इस कक्षा में डिस्कस किया है वो आपको डिटेल में समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है पढ़ाया हुआ, तो आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और आप सभी आपको सबको शुभकामना देते हुए हम आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।